गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब की, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके डिफिनेशन को जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑफ अ वर्ब आर एन एडजेक्टिव। मीन्स एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण, ये एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जो कि मॉडिफाइज करता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? या तो किसी वर्ब की और या फिर किसी एडजेक्टिव की। मीन्स या तो क्रिया की विशेषता बताएगा या तो विशेषण की विशेषता बताएगा। तो अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तब भी क्रिया विशेषण होगा, और अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा मीन्स विशेषण की विशेषता बताएगा तब भी क्रिया विशेषण ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे कुछ एग्जाम्पल्स राइट किए गए हैं, इनको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। क्या है? सोहन इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। सोहन बहुत ही ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर देखिए, जो सोहन है ये जो है हमारा एक नाउन है, मीन्स संज्ञा है। अब इस संज्ञा की विशेषता क्या है, कैसा है सोहन? तो ऑनेस्ट है, ईमानदार। अब हमने पढ़ा था कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं, मीन्स संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर सोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो ये तो हमारा एडजेक्टिव आ गया, कैसा एडजेक्टिव वर्ड मिल गया हमको। बट हमको पता क्या लगाना है, एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसा पता लगाएंगे? तो यहाँ पर क्या करना है, हमने अभी बताया है कि जो या तो वर्ब की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए। तो देखो, हमको एडजेक्टिव मिल गया। अब एडजेक्टिव मिल गया तो हम पता लगाएंगे कि इस एडजेक्टिव की क्या विशेषता है। मीन्स वो ईमानदार है, तो कितना ईमानदार है? तो यहाँ पे लिखा गया वेरी ऑनेस्ट, मीन्स बहुत ही ईमानदार है। तो जो ये वेरी वर्ड आएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एलिफेंट वॉक्स स्लोली। हाथी धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो एलिफेंट वर्ड आया है ये तो नाउन है। अब नाउन के द्वारा जो वर्ब हो रहा है, मीन्स जो क्रिया हो रही है, वो क्या है, वॉक, मीन्स चल रहा है, चलता है। तो अब कैसे चलता है, वर्ब मिल गई हमको, क्योंकि बोला गया था कि क्रिया विशेषण वही शब्द होते हैं जो या तो किसी क्रिया की विशेषता बताएं और या तो किसी एडजेक्टिव की। तो क्रिया तो हमको मिल गई, कौन सी क्रिया, वॉक। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है, कैसे चलता है हाथी? तो यहाँ पे बोला गया स्लोली, मीन्स धीरे धीरे चलता है। तो जो स्लोली वर्ड आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मीन्स क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो पहला देखो, इसका प्रकार क्या है, सिंपल एडवर्ब, जिसको हम बोलेंगे साधारण क्रिया विशेषण, जहां पर क्या होता है, क्रिया की विशेषताएं बताई जाती हैं, क्रिया की विशेषता को बताया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब है संबंधवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य का कोई संबंध दर्शाया जाता है, वो हमारा संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर किसी शब्द से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। मीन्स ऐसा क्रिया विशेषण जिससे प्रश्न पूछने का काम हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स राइट किए हैं, आपको पता लगाना है कि ये एग्जाम्पल्स किस क्रिया विशेषण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्या है, कम इन, अंदर आइए। तो यहाँ पे देखो, वर्ब मिल रही, कौन सी, कम। अब कहाँ आने की बात बोली गई है, इन। तो जो इन वर्ड आएगा ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया क्या है, आना, और कहाँ आने की बात की जा रही है, अंदर। तो जो इन वाला वर्ड आ रहा है ये हमारा क्या है, सिंपल एडवर्ब में चला जाएगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, सोहन विल गो देयर, सोहन वहां जाएगा। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है, गो,
और कहाँ जाएगा, कहाँ जाने की बात, ये गो जो है वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता क्या है, कहाँ जाने की बात की जा रही है, तो ये जो देयर वर्ड आया है ये क्या है, बता रहा है कि वहाँ जाएगा। तो ये जो देयर वर्ड है ये हमारा साधारण क्रिया विशेषण मीन सिंपल एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। आई नो द टाइम, मैं वो समय जानता हूँ जब ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा, मुझे वो समय पता है जब वो यहाँ आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो सेंटेंस ये हो गया कि मैं वो समय जानता हूँ, और दूसरा क्या है, ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, व्हेन, तो ये व्हेन वर्ड जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। लेकिन ये कैसा क्रिया विशेषण है, दो को जोड़ रहा है, दोनों के संबंध को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा कैसा, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, टेल मी द प्लेस, मुझे वो स्थान बताओ, वेयर ही वाज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था। अब देखो यहाँ पर एक तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, टेल मी द प्लेस, मुझे वो स्थान बताओ, और दूसरा क्या है, वह पैदा हुआ था। तो ये दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, वेयर, ये जो वेयर वर्ड आया इसने क्या किया, दो वाक्यों को जोड़ दिया, मीन्स दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। तो जब संबंध स्थापित हो गया तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं क्या है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जाना क्या है, गोइंग जो वर्ब है, अब ये जाने के लिए क्या पूछा, क्या जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, इस जाने की विशेषता क्या है, कहाँ जा रहे हो, और वो कहाँ जो आ गया वर्ड, ये क्या कर रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है। तो ये जो जिन क्रिया विशेषण के द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्या है, व्हेन विल यू गो टू आगरा, आप आगरा कब जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गो आया है वर्ब यानी क्रिया, ये जाने की विशेषता पूछ रहा है कि कब जाओगे, है ना, और ये व्हेन वर्ड जो है ये प्रश्न भी पूछ रहा है। तो इसलिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक, एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण। हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, इसके एग्जांपल्स और इसके काइंड्स, और काइंड्स के अंतर्गत आने वाले कुछ एग्जांपल्स को भी हमने पता लगाया। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप सही से समझिए, पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स।